नई दिल्ली। देश में कोरोना के अब तक कुल 8,26,876 एक्टिव केस, अब तक 63 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। IMF के अनुमान को लेकर राहुल ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा ये नफरत मेरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ठोस उपलब्धि। जयपुर, BJP ने आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर गहलोत सरकार पर साधा निशाना। मुंबई, BJP विधायक आशीष शेलार बोले, उद्धव को हिंदुत्व के प्रमाण पत्र की जरूरत। स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी लें तो देश जल्द ही आत्मनिर्भर बनेगा। लखनऊ कोरोना वायरस न्यूज, 2 माह बाद 300 से नीचे आया लखनऊ में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा, 9 की मौत। न्यू दिल्ली स्टॉक मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अधिक विकास के अनुमान में कटौती के बाद शेयर बाजार में गिरावट। GATE 2021, गेट परीक्षा के लिए लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तिथि आज, इस लिंक से करें अप्लाई। किसानों के नाम पर पकाई जा रही सियासत की फसल, SBI की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। एप्पल ने लॉन्च किया 5G/ मोबाइल फोन, टिम कुक ने फोन के लिए नई युक्ति बताई शुरुआत। लाल निशान पर खुला आज का शेयर बाजार, सेंसेक्स में 200 से अधिक की गिरावट। चिन्मयानंद पर रेप के आरोप से जुड़े मुकदमे में आया बड़ा ट्विट, अदालत में अपने बयान से पलटी छात्रा। बलिया, नाबालिग ने सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर की पोस्ट, मामला दर्ज। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी अभिभावक को राहत, प्राइवेट स्कूलों में दिया 20% फीस का कम करने का आदेश। रिहा होने के बाद महबूबा ने जारी किया आइडियो संदेश में कहा, अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकमत होकर लड़ेंगे। 5 अक्टूबर के बाद मेलानिया ट्रंप नहीं आई सार्वजनिक तौर पर नजर, व्हाइट हाउस ने नहीं दी कोई जानकारी। दिग्गज बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी की हालत अब भी गंभीर, डॉक्टर ने दिए संकेत। किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आयुष्मान खुराना ने इस खूबसूरत गाने के साथ किया सिंगर को याद। पटरी पर लौट रही रेल, कल रात 12 बजे से पूजा स्पेशल, 20 से बाघ आगरा फोर्ट भरेगी रफ्तार। परिवार अमेरिका में, लखनऊ में कर डाली कोरोना की जांच। रामपुर, बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में आजम खां को मिली जमानत। बरेली, BM सिंह का हुआ जोरदार स्वागत। स्वार, बैंक अधिकारियों की संपत्ति की जांच हो। लखनऊ, महापौर को अपनी ही पार्टी के पार्षदों का झेलना पड़ा विरोध। लखनऊ, ऑनलाइन साइंस क्विज प्रतियोगिता संपन्न, लखनऊ पब्लिक स्कूल व कॉलेज की गूगल मीट के माध्यम आयोजित अंतर शाखा ऑनलाइन साइंस क्विज प्रतियोगिता में बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर दे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।